गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। नाउ वी स्टार्ट। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज अतनीश कुमार फ्रॉम मैकेनिकल डिपार्टमेंट। टुडे 29 जनवरी। Today we continue Ohdaal couplings. One second. Screen share to nahi kiya na? हम लोग उदास कपलिंग का ये बना लेते ऑलमोस्ट उसके पार्ट्स बना लेते है ना। अलग अलग पार्ट को अलग अलग करते हैं। अब हम लोग इसका 3D बनाते हैं। नहीं नहीं तो भले ही तुम्हारा जो हो गया नहीं हो गया ये सब देखते हैं अगला सब दिन कौन है भाई हो बैक नहीं हो बैक कौन है मिट कर लो। अभी मैंने 10:10 में अटेंडेंस ले लेना ठीक है। यस सर। हम लोग को ये चीज बनाना है 3D में। हमको कंपोनेंट चाहिए कंपोनेंट तो ऑलमोस्ट है ही हमारे पास तो ये चीज है कंपोनेंट
इसका डिस्टेंस दिया हुआ है 30, इसका डिस्टेंस दिया हुआ है 20, उसमें डायमीटर 30 कटिंग किया हुआ है। चलो बना लेते हैं। बनाना कैसे है, ऐसे ना। डायमीटर कितने का है ये? 60 डायमीटर, ठीक है। और ये लेंथ कितना दिया हुआ है? 30। लोग टूल स्मूथनेस का बढ़ा दिया था ना इसमें। ठीक है, इसका डाया कितना दिया हुआ है? 100। और विड्थ कितना दिया हुआ है? 20। थोड़ा सा बार घुमा के देख लेते हैं कैसे दिख रहा है। बट ये है अलग अलग क्योंकि हम लोग अलग अलग बनाए हैं इसको। इसको वन करने के लिए हम लोग करेंगे यूनियन। यहाँ पे है यूनियन, एक साथ जोड़ दिए, इंटर, ठीक है। अब रोटेट करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग चेम्फर लिए थे ना, समथिंग 4 के आसपास 4 का लिए थे। ये बस चेक कर लेंगे क्या 2D वाला में। यहाँ पे हम लोग चेम्फर कितने का लिए थे? रेडियस कितने लिए? रेडियस और क्या है, ठीक हो गया। हम लोग का ये चेंज करना पड़ेगा। इधर से दिख रहा है, यहाँ पे हम लोग को करना क्या है? 3D ऑपरेशन। एच फिलेट कौन है, किसका है, किसका कौन ऑन कर रहा है? कुलदीप कुमार अनम्यूट करो, नहीं तो बाहर कर देंगे। कुलदीप कुमार 20ME85 सरकार। म्यूट करके क्यों छोड़ देता है? म्यूट करके रखो ना, जब बोलना होता है तब तो करती है ना ऑन करने के लिए। तुम
इस एज में हम लोग को फिलेट देना है ना। ठीक है, रेडियस कितने का है? 4 का है। ये बन जाने के बाद इसमें कितने का है? कटिंग क्या हुआ? 30 का। 30 का होल है इसपे। D इंटर 30 इंटर उसको सबट्रैक्ट कर देते हैं। ये हो गया। अब इसमें क्या किया हुआ है? इस पे अटैच होगा मेरा ये वाला ना, दैट मींस कि तो उनका के इधर से एक कटिंग किया है, वो कितने का है? 12 mm का है ना, वो लगेगा ऐसे, भले ही होगा इसका 90 डिग्री में। ये कितना डिस्टेंस का है? 12 mm का है और ये थिकनेस है 10, यानी कि ये मेरा हो जाएगा 12 बाई हो जाएगा 100 का है ना, हम लोग 100 से ज्यादा ले लेते हैं, 110 एंड विड्थ कितना है? 10। सॉरी लेंथ 12 हेलो सर। बोलो सर, अटेंडेंस ले लिया और थोड़ा सा काम है तो लीव हो जाए। ग्रुप देखो, ठीक है।
कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं ना, कोई दिक्कत। उसके बाद इसमें एक की होल भी है, की होल, की होल। तो की होल हम लोग जितना की बनाएंगे उतना का बना लेते हैं। तो हम लोग सिक्स और कितना का लिए थे, फोर एंड सिक्स का लिए थे ना, फोर का विड्थ और सिक्स का। इसके अकॉर्डिंगली नहीं बनाते हैं, यहाँ पे जो बनाए थे हम लोग टेन टेन का बनाए थे, बट हम लोग यहाँ के अकॉर्डिंगली बनाएंगे सिक्स इंटू फोर। सिक्स ये हो जाएगा फोर, और ये डिस्टेंस हो जाएगा कितने का है, 50 है। इसको लगाना कहाँ पे है, सेंटर पे। थर्टी का था ना, 15 दे देते हैं। अरे नहीं कटा, ये चीज दिखना था, कंट्रोल जेड इसको। अब देखते हैं, अब ठीक है, कट गया है। की वेज कटा हुआ दिख रहा है, हाँ
अब इसका जस्ट कॉपी कर लेते हैं क्योंकि दो दो है, दो कंपोनेंट है। हो गया, रोटेट भी कर लिए इसको, 90 डिग्री में भी कर लिए, ठीक है। वैसे ही इस पे भी है। अब हम लोग बनाएंगे डिस्क, ये वाली। डिस्क क्या डायमेंशन से? 10 10 का है ना सारा चीज। तो पहले एक और विड्थ है 10, ठीक है। कितने का है ये? 12 और 10 का है। मुश्किल है इसको बनाना, इतना आसानी से नहीं बनेगा, इसको बनाना होगा ऐसे करके। डी इंटर एंड्रेड इंटर, दो को सेंटर लाइन, सेंटर लाइन, ये अब क्या करना है, इसको 6 mm का ऑफसेट ले लेते हैं। Set 6 7, this side and this side. Okay. इसके बाद ट्रिम कर देते हैं इसको, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा निकल रहा है। ओह सॉरी, कंट्रोल जेड। कैसे हो गया भाई, हट कैसे गया ये? ना तो नहीं चाहिए था। एक सेकेंड, इधर मैं ट्रिम करके दिखता हूँ। बहुत हो रहा है, चलो सपोर्ट ट्रिम कर लेते हैं।
कितने कितने का है ये? 10 का है। ठीक है, हो जाएगा। तीन अलग अलग है, इसको सिंगल बना लेते हैं हम लोग। एक सिंगल बन गया। सेम इसमें भी कोई प्रॉब्लम होने वाला है। करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें क्या है जो इधर वाला है इस साइड से है? एक को 90 डिग्री रोटेट कर देंगे। इसको पहले 90 डिग्री रोटेट करते हैं, 3D रोटेशन करना पड़ेगा। इसको सिंपल इसलिए नहीं बनाया ना, दिक्कत कहाँ आता हम बता रहे तुम लोग को। दिक्कत ये होता है जो ये राउंड है ना, ये राउंड मेज नहीं कर पाता हम लोग का, इसीलिए इतना मेहनत करना पड़ा। अब इसकी यूनियन कर देते हैं तो ये एक कंपोनेंट बन जाएगा ना, अब ये सिंगल कंपोनेंट बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एजिबल जैसा ये था हम लोग का, इधर को गया है ना, ये चीज बन गई ये है ना। हम लोग कलर भी कर सकते हैं बट लास्ट में कलर करेंगे, अगर भी करना चाहते हो तो अभी भी कर सकते हो।
जैसा कलर इसमें दिख रहा है क्यूब रेंडर अच्छा ही लग रहा है, खराब नहीं लग रहा। ठीक है, फिलहाल के लिए अभी इसको रहने देते हैं। कॉन्सेंट्रेट करते हैं अपने, तो हम लोग कब बन गया है ये थ्री कंपोनेंट्स। अब हम लोग ये शाफ्ट बनाना है, शाफ्ट और की बनाना है। उसके बाद हम लोग को असेंबल कर दे। एग्जैक्टली अब हम लोग को इसका शाफ्ट बनाना है और की बनाना है। ठीक है, तो शाफ्ट ये कितने का था, 30 का था। बना लेते हैं 30 mm का। अच्छा, लेंथ कुछ भी ले लेंगे हम लोग। लेंथ कुछ भी ले सकते हैं क्योंकि ये शाफ्ट है। ठीक है, तो जो हम लोग 2D जो बनाए हैं उसमें हम लोग कितना लिए हैं, 60 50 था, तो हम लोग 60 के आसपास लिए, तो 70 ले सकते हैं। अब जैसे हम लोग इसमें जितने का की कट किए हैं ना, उतने का ही की हम लोग इस पे कट कर देते हैं। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली की बना लेंगे। आई थिंक ये कितने का था एग्जैक्टली, 6 and 4 का। तो हम लोग इस पे 6 and 4 का एक की बना लेते हैं। लेंथ हो जाएगा तो 6 6 ये 4 4
ये हो जाएगा सिक्स का और ये डिस्टेंस हो जाएगा ज्यादा लेते हैं 50 तो वही है हम लोग का ना टोटल 30 इसका कलर चेंज कर देते हैं सबसे पहले की का या तो फिर इस पे हम लोग कॉपी करके रख लेते हैं एक की रखती है वो 30 ले लेते हैं ना एक्स्ट्रा क्योंकि हम लोग का शाफ्ट में भी तो की लगना चाहिए इसलिए शाफ्ट में हम लोग का बाहर 30 रहेगा बाकी अंदर में हम लोग का 50 रहेगा ठीक है तो कितना हो गया 50 प्लस 30 80 का हो गया सर ये की 30 में बाहर ले लेंगे हम लोग इसका डिस्टेंस कितना है एक सेकेंड टॉप व्यू से देख लेते हैं